सो गाइस, तो जैसे कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था मेरी डीजे क्लासेस के बारे में, ऑनलाइन क्लासेस के बारे में, डीजे कोर्स के बारे में, यदि आपने मेरा वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हो। उसमें मैंने बताया था आपको किस इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी, क्या डीजे लेसन में मैं आपको सिखाता हूँ, मेरे डीजे क्लासेस में आपको सिखाता हूँ, इसके अलावा मैं किस तरह से सिखाता हूँ, क्या रिजल्ट देखने को मिलता है, मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी। तो यदि आपने मेरा वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। बट गाइस, क्या हुआ, जैसे कि मैंने वीडियो डाला तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आए, उसमें से बहुत सारी बातें पूछी गई है। बट गाइस, उसमें मुझसे एक क्वेश्चन ऐसा पूछा था, मुझे लगता है उसका आंसर करना बहुत ज़्यादा जरूरी था, हम उस रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो कहीं इसमें पूछा था, जैसे कि मेरा डीजे नेट यूट्यूब चैनल है, उसमें कम से कम 200 ज़्यादा वीडियो डाल चुका हूँ, तो आप ऐसा क्या एडवांस सिखाएंगे जो कि आप यूट्यूब चैनल पर नहीं डालते हैं? जैसे कि आप क्या डीजे इंडिया में क्लासेस, या बोल सकते हैं डीजे कोर्सेस में, ये लाइव क्लासेस में सिखाएंगे जो कि आप डीजे इंडिया यूट्यूब पर नहीं डालते हैं? तो आज हम इस रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलती है मुझे, बहुत सारे ऐसा कंटेंट रहता है जो मैं यहाँ पर शेयर नहीं कर सकता, तो हम इस रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। सो कहीं सीधी आप बिगनर डीजे मेरा कोर्स परचेस करना चाहते हैं, लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीजे, पर स्वागत है। इस वीडियो का पूरा देखते ही इससे ही आपको हेल्प मिलने वाली है। तो गाइस, तो सबसे पहले जो मुझे इसे देखने को मिलता है, जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, वह है कॉपीराइट की। अब गाइस, जैसा कि मैंने जो देखा होगा आपने, जब भी मैं ट्यूटोरियल्स बनाता हूँ, मैं कुछ समझाता हूँ आपको, तो उसमें मैं एक स्पेसिफिक सॉन्ग को यूज़ करता हूँ। गाइस, क्या होता है, उसमें मुझे यूज़ करना पड़ता है कॉपीराइट फ्री सॉन्ग को। अब गाइस, यदि मैं कुछ ऐसे सॉन्ग को यूज़ करने लगूँ तो उसमें क्या होगा, कॉपीराइट आ जाएगा। सो गाइस, तो प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है, मैं वहाँ से लिमिटेड हो जाता हूँ, मैं आपको हर चीज़ नहीं समझा पाता हूँ। तो गाइस, क्या होता है, जैसे कि आपको पता ही होगा, बहुत सारे बॉलीवुड सॉन्ग ऐसे होते हैं, उनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, या मुझे पता है बहुत सारे टाइम ऐसा होता है जब मैं आपको वहाँ स्ट्रक्चर बताऊंगा तभी आपको वहाँ चीज़ें समझ में आएंगी। बट प्रॉब्लम वही है कि यहाँ पर कॉपीराइट आ जाएगा। तो बेसिकली बात यह है कि मैं यहाँ पर लिमिटेड हो चुका हूँ। बट क्या होता है, जैसे क्लास है तो आप यहाँ पर वीडियो देखेंगे मेरी, तो आपको पूरी लेंथ वाली वीडियो देखेंगे, मतलब कि आपको बड़ी बड़ी वीडियो सीखेंगे, क्योंकि मैं वहाँ पर सब कुछ बता सकता हूँ, हर किसी को मैं एग्जाम्पल लेके सॉन्ग को वहाँ पर बता सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पर कोई भी कॉपीराइट रिलेटेड कोई भी इश्यू मेरे को देखने को नहीं मिलता है। और मुझे क्लास देते देते मुझे इतना टाइम हो चुका है कि मुझे पता है कि आपको क्या प्रॉब्लम आने वाली है, मुझे इतना भी पता कि किस स्ट्रक्चर में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो गाइस, क्या होता है, मैं आपको पहले ही सारी चीज़ें सारे डाउट क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इस बॉलीवुड सॉन्ग में आपको स्ट्रक्चर अलग देखने को मिलता है और इसमें बिगनर डीजे को ये प्रॉब्लम आती है। तो यह सारी चीज़ें मैं एडवांस तौर पर आपको अपने जो डीजे कोर्स से क्लासेस से उसमें समझा सकता हूँ। इसके अलावा जो मुझे दूसरा इश्यू फेस करने को मिलता है अपने यूट्यूब चैनल पर, वह है कॉपीराइट स्ट्राइक का। अब गाइस, या तो ऐसी चीज़ है कि मेरे पास 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई तो मेरा यूट्यूब चैनल ही बंद हो जाएगा। तो गाइस, क्या होता है, बहुत सारी वेबसाइट ऐसी होती हैं जो कि आपका काम ईजी कर देती हैं, बोल सकते हैं डीजे यदि यूज़ करें तो उनका काम बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। बट क्या है, वह एक प्रकार से बोल सकते हैं वह इलीगल है। यदि मैं यहाँ पर बताऊँगा तो मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ सकती है। तो गाइस, यह भी मुझे इश्यू फेस करने को मिलता है। बट गाइस, क्या होता है, जैसे मैं क्लासेस लेता हूँ तो वहाँ पर मैं हर किसी को प्राइवेटली अपने स्टूडेंट को बता सकता हूँ कि आप इस तरह से यह चीज़ यूज़ कर सकते हैं, और ऐसे यूज़ करने में बहुत सारे डीजे यूज़ करते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट गाइस, मैं यहाँ पर बताऊँगा तो मुझे ऐसा लगता है स्ट्राइक आ सकती है, तो मैं यहाँ पर वह सारी चीज़ें नहीं बता सकता। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ है जो मुझे बोल सकते हैं एक प्रकार से इश्यू, या बोल सकते हैं मुझे क्लास में एक एडवांटेज देखने को मिलता है, वह है मैं हर कोई क्लासेस में इंडिविजुअली बता सकता हूँ। क्योंकि गाइस, क्या होता है, मुझे पता है कहाँ से स्टार्ट करवाना है, कहाँ से एंड करवाना है इंडिविजुअली को। बट मैं हर किसी को एक ही वाला बताऊँगा तो क्या होगा, वह गलत हो जाएगा, क्योंकि हर किसी का लेवल अलग है, हर किसी की जो माइंड सेट है वह अलग है, सीखने का तरीका अलग होता है। किसी को जल्दी समझ में आता है तो किसी को लेट समझ में आता है, किसी का लेवल थोड़ा इंटरमीडिएट वाला होता है तो मुझे वहाँ से एडवांस ले जाना पड़ता है, किसी का बिल्कुल बिगनर होता तो वहाँ से उसको उठा के एडवांस पर ले जाना पड़ता है। तो गाइस, सबको मैं इंडिविजुअली अच्छे से समझा सकता हूँ और सबको आगे ले जा सकता हूँ। तो बेसिकली मुझे इसका एडवांटेज बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, मुझे पता रहता है कि इसको किस स्टेप से आगे ले जाना है, तो यह भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसके अलावा जो फोर्थ थिंग है जो कि मुझे लगता है यहाँ पर मुझे डिसएडवांटेज देखने को मिलता है, बट मेरी लाइव क्लासेस में मुझे एडवांटेज देखने को मिलता है, वह है रिव्यू एंड क्लियर डाउट्स। गाइस, क्या होता है, जैसे कि मैं आपको वर्क दिया बहुत सारा, ठीक है, तो उसी से कि आपको पता होगा मैंने यहाँ पर कॉपीराइट रिलेटेड सॉन्ग यूज़ नहीं कर सकता यूट्यूब चैनल पर, बट वहाँ पर मैं कोई भी सॉन्ग मुझे पता है किसका स्ट्रक्चर अलग है किसका ये है, तो वहाँ से क्या होता है, जो आप बिगिनर डीजे है उसके लिए एक नए डाउट्स निकल के आते हैं, तो उससे क्या है मैं उनको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, हर चीज़ बता सकता हूँ, रिव्यू कर सकता हूँ, इसके अलावा उसके जो डाउट्स हैं उसको मैं बिल्कुल क्लियर कर सकता हूँ, और मैं अभी आपको एडवांस चीज़ें बता सकता हूँ, जिससे क्या होगा आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। बट यूट्यूब चैनल पर मैं ये सारी चीज़ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक इंडिविजुअल को यह सारी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं है कि आपको क्या डाउट है। इसके अलावा यदि हम बात करें फिफ्थ थिंग की, यदि हम टेक्निकल वर्क को हटाते तो बात
साथ ही प्ले लिस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम की। अब गाइस यदि बिगिनर डीजे तो आपको इस बारे में पता ही होगा। तो गाइस क्या होता है, इसमें मुझे एडवांटेज देखने को मिलता है क्लास में, मैं ट्रेनिंग रिलेटेड प्ले लिस्ट देता हूँ, तो उससे क्या होता है एक जो बिगिनर डीजे उसका भी एक प्रकार से प्ले लिस्ट का जो बोल सकते हैं आइडिया उसको समझ में आता है कि किस तरह से प्ले लिस्ट बनती है। और बात ये रहती है कि मैं जैसे इंटरमीडिएट है या बिगिनर से तो उसको अलग अलग प्रकार की प्ले लिस्ट देता हूँ। यदि बिल्कुल बिगिनर है तो उसको बिल्कुल हाउस वाली बीट देता हूँ, यदि उसके पास थोड़ा इंटरमीडिएट है तो उसको अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर वाली बीट देता हूँ। तो बेसिकली उसकी प्ले लिस्ट भी बनती जाती है, वह आपको बाद में भी काम आएगी और आप बोल सकते हैं प्रैक्टिस में भी काम आएगी। इसके अलावा मैं उसे वर्क भी देता हूँ जिसमें क्या होता है उसको खुद की प्ले लिस्ट बनानी होती है, तो एक प्रकार उसको मैं बता भी देता हूँ कि यहाँ आपने गलत किया है, इसमें आपको फील गलत देखने को मिल रही है, ये यहाँ पर सॉन्ग नहीं आएगा। तो एक प्रकार से बोल सकते हैं प्ले लिस्ट रिलेटेड वर्क भी उसका पूरा हो जाता है जिससे उसको पता रहता है कि प्ले लिस्ट किस तरह से बनानी है। तो यह भी मुझे लगता है बहुत बड़ा एडवांटेज देखने को मिलता है। तो गाइस यदि आप बिगिनर डीजे हैं, आपको सीखना चाहते हैं या बोल सकते हैं लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, मैं वहाँ पर सबके जवाब देता हूँ। उसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूँगा, आप जाकर इंस्टाग्राम पर जाकर मुझसे एक मैसेज कर सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन के बारे में पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी आपके पास और कोई डाउट है तो भी आप उसे वहाँ पर पूछ सकते हैं। सो अगर इसमें लगता है इस वीडियो से आपको डीजे कोर्स रिलेटेड जितने भी डाउट्स है वहाँ क्लियर हो गए होंगे, इसके अलावा कोई भी प्रकार की इंक्वायरी तो आप बताइए, हमें मैसेज कर सकते हो। इसके अलावा आपका फ्रेंड है उसे सीखना हो तो उसे भी आप यहाँ पर वीडियो शेयर कर सकते हो। इसके अलावा यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे मेरी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू।